एवरीवन, मैं मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं इंस्टेंट मावा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऑथेंटिकली जब हम मावा बनाते हैं तो उसमें काफी समय लगता है, लेकिन अगर हमारे पास समय कम है तो हम फटाफट से ये इंस्टेंट मावा बना सकते हैं। इसे हम मिल्क पाउडर से बनाने वाले हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। इस मावे से आप कोई भी मिठाई या हलवा कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए ये आधा कप दूध लिया है। जो भी दूध आपके घर पर आता है आप उसका यूज कर सकते हैं। दूध पहले से उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पर है। और ये एक कप मिल्क पाउडर लिया है। मैं नेस्ले मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। इसके लिए हमें घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि मावा तभी बढ़िया बनता है अगर उसमें फैट ज्यादा होगा, तभी आपका मावा जो है बहुत बढ़िया बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इसलिए फैट की मात्रा हमें देखनी पड़ेगी कि हमारा जो मिल्क पाउडर है इसमें फैट कंटेंट कितना है। जो नेस्ले का या अमूल्या का होता है इसमें फैट कंटेंट काफी कम होता है, जबकि अगर आप पतंजलि का मिल्क पाउडर या फुल फैट मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसमें फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जिससे हमें घी ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है। अगर आप पतंजलि या फुट फैट मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून घी इसमें यूज करें। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है। अब इसमें ये घी डाल दूंगी, 4 टेबलस्पून घी है। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें ये दूध डाल देंगे, 1/2 कप दूध है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हम दूध में हल्का उबाल आने देते हैं। दूध में हल्का उबाल आने लगा है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर मिलाते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। एक साथ सारा मिल्क पाउडर आप ना डालें, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। सारा मिल्क पाउडर हमने डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम चलाते रहेंगे लगातार। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए और ये लगना भी नहीं चाहिए, इसे लगातार चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, ये गाढ़ा होने लगा है। बहुत जल्दी ये मावा बनकर तैयार हो जाता है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, लो फ्लेम पर ही इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएं। और किनारों पर से जो मावा लग जाए उसको आप इस तरह से स्क्रैच करके निकाल लें। मावा पहले से काफी गाढ़ा होने लगा है और 3 से 4 मिनट में ही ये मावा बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। मावा देखिए इकट्ठा होने लगा है और इसने पैन को छोड़ दिया है। अब इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा इसे पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, मावा काफी ड्राई हो जाता है। अभी ये आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफी थिक हो जाएगा। तो गैस हम बंद कर देते हैं अब और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद हमने इसे ठंडा कर लिया है और अब मावा रूम टेम्परेचर पर है। देखिए इसका टेक्सचर, पहले ये पतला लग रहा था लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे मार्केट का मावा होता है, बिल्कुल मार्केट वाले मावे जैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है। और ये देखिए कितना बढ़िया बना है। 3 से 4 मिनट में ही आपका मार्केट से भी बढ़िया मावा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत समय भी नहीं लगता और बहुत ही बढ़िया बनता है। इससे बनी मिठाइयों का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।